पहला शेर है, ऐ किस्मत गुरूर ना कर, ऐ किस्मत गुरूर ना कर के तुझ पर मेरा जोर नहीं, ऐ किस्मत गुरूर ना कर के तुझ पर मेरा जोर नहीं, मेरी माँ की दुआ काफी है तुझे औंधे मुंह गिराने को। और कहता हूँ कि शायर हूँ आशिक या नमाजी, ये सवाल खुद से अक्सर किया करता हूँ। शायर हूँ आशिक या नमाजी, ये सवाल भी खुद से अक्सर किया करता हूँ। गुनाहे इश्क में मुब्तिला होकर सिर्फ दो रकात सारी रात पढ़ा करता हूँ, और बेवफाई को हिजर का नाम देकर मैं शायरी का जाम पिया करता हूँ। बेवफाई को हिजर का नाम देकर मैं शायरी का जाम पिया करता हूँ। जमाना कहता है दीवाना मुझे सारिम, जमाना कहता है दीवाना मुझे सारिम, दिल जले है तू और मैं शायर बना फिरता हूँ। और गांव से आता हूँ, गांव से ताल्लुक रखता हूँ, हालांकि गांव छोड़े 10 बरस हो गए हैं, लेकिन अब जब गांव लौटता हूँ तो गांव के जो दोस्त यार हैं वो मुझे शहर वाला कहकर तंज करते हैं और छेड़ते हैं कि तुम अब शहर वाले हो चुके। इसी बहस में एक दिन इश्क पर बहस छिड़ गई और मेरा दोस्त गांव का दोस्त बोला कि शहर का इश्क अलग होता है, गांव का इश्क अलग होता है। और वो तंजियत में शायराना अंदाज में बोला कि आज भी वो मुझे दरवाजे के पीछे से छुपकर देखती है, आज भी वो मुझे दरवाजे के पीछे से छुपकर देखती है, ये गांव का इश्क है साहब शहर की नौटंकियाँ नहीं। इतना सुनना हुआ था कि अंदर का शायर जाग उठा, तिलमिला उठा और जवाब देने पर आतुर हो गया और लिखा कुछ इस तरह के, गांव हो या शहर हर जगह होता है, गांव हो या शहर हर जगह होता है, इश्क तो इश्क है बेवजह होता है। और चिट्ठियों में गड़ा हो या व्हाट्सएप पर पड़ा हो, चिट्ठियों में गड़ा हो या व्हाट्सएप पर पड़ा हो, कबूतर की चिट्ठी से लेकर मोबाइल के इनबॉक्स में होता है, इश्क तो इश्क है बेवजह होता है। और घूंघट में सिमटा हो या साड़ी में लिपटा हो, घूंघट में सिमटा हो या साड़ी में लिपटा हो, बालों के पीछे लगे सफ़ेद गजरे से लेकर लाल गुलाब के गुलदस्ते में होता है, इश्क तो इश्क है बेवजह होता है। और खेतों की पगडंडी पर या शहर की मंडी पर होता है, खेतों की पगडंडी पर या शहर की मंडी पर होता है, गलियों से घरों की छतों से होकर अपार्टमेंट की खिड़कियों में भी होता है, इश्क तो इश्क है बेवजह होता है। और शादी में बारात में या भैया की ससुराल में, शादी में बारात में या भैया की ससुराल में, ग्राम पंचायतों से लेकर सोसाइटी की मीटिंगों में होता है, इश्क तो इश्क है बेवजह होता है। और आंखों के इशारों से या फास्ट फॉरवर्ड बातों से, आंखों के इशारों से या फास्ट फॉरवर्ड बातों से, साइकिल रिक्शा से होकर लोकल ट्रेन और मेट्रो में भी होता है, इश्क तो इश्क है बेवजह होता है। और इससे पहले आप ये समझ लें कि इश्क बेवजह होता है, आपको बता दूं कि माशूक के दिल में सदा होता है, महबूबा की हर एक अदा में होता है, खुदा की रजा में होता है, नमाज़े क़ज़ा में होता है, वफा की सज़ा में होता है, नेकी की जजा में होता है, हवा में होता है, फिजा में होता है, दुआ में होता है, गजा में होता है, बेपनाह होता है, लाफना होता है, और बाकसम बाखुदा बामज़ा होता है, इश्क तो इश्क है बेवजह होता है। और वो जा चुकी थी, वो जा चुकी थी, और उनके लिए हम बेवफा हो गए थे और उनके लिए, हमारे लिए वो बेवफा हो गई थी और उनके लिए हम बेवफा हो चुके थे। तो वो अपनी सहेली से बोली कि अब इश्क नहीं करूँगी, इश्क में बेवफाई मिलती है, और बोली कि तुम्हारी बेवफाई का असर कुछ ऐसा हुआ है कि अब नहीं एतबार किसी के खुलूस पर भी। तो जवाब में लिखा कि ये असर बेवफाई का नहीं कि तू किसी और पर एतबार ना करे, ये असर बेवफाई का नहीं कि तू किसी और पर एतबार ना करे, वो हमारी मोहब्बत थी जो तुझे किसी और का होने नहीं देती। और लोग अक्सर पूछा करते हैं कि तुम शायर लोग इतने दिल जले क्यों होते हो, आशिक क्यों होते हो, तो उस पे से लिखा था कि जिन चेहरों पे नमक देखा करते थे फरेब के चलते वो फीके पड़ गए, जिन चेहरों पे नमक देखा करते थे फरेब के चलते वो फीके पड़ गए, ये दिल भी कभी लाल हुआ करता था धोखे खाता गया स्याह होता गया। और आखिरी शेर, बस इसके बाद इजाजत चाहूंगा आपकी,
कि इश्क के दरिया में कूदा था आशिक, खुद को समझ के बेहतरीन तैराक। इश्क के दरिया में कूदा था आशिक, खुद को समझ के बेहतरीन तैराक। जब डूबा तब संपट पड़ा लंपट को, जब डूबा तब संपट पड़ा लंपट को, जिसे दरिया समझ रहा था वो दलदल निकला। और जिसकी जैसी नियत होती है वैसा उसको सिला मिलता है, जिसकी जैसी मोहब्बत होती है वैसा उसको सिला मिलता है। वरना यूँ तो दरिया का पानी खा रहा और दलदल में भी कमल खिला रहा। शुक्रिया।